एक शादीशुदा पीड़ित पत्नी ने अपने ही पति सहित ससुराल के कई लोगों पर गैंग रेप और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। रामपुर एसपी से गुहार लगाई, जिसमें एसपी रामपुर के आदेश पर 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हो गया है। बहरहाल अब जांच के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर पाएगी। रामपुर कोतवाली सिविल लाइन के गंगापुर आवास विकास निवासी अर्चना सैनी ने अपने पति सहित ससुराल के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित अर्चना सैनी का कहना है, उसके पिता की सन 2004 में मौत हो गई थी। पीड़ित युवती उस वक्त 6 साल की थी और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस वजह से पीड़ित ने मौसा राम बहादुर सैनी ने उसको गोद ले लिया था। पीड़ित ने अब अपने मसौरे भाइयों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरे लोगों के बहकावे में था, दूसरे लोगों के चुंगल में ये पहुंचने के बाद दूसरे लोगों के बहकावे में ये इस तरह के जो बातें कर रही है, गलत कर रही है। बेटा मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी समान है, मेरी बेटी की बहन है ये, और ये जो है सही थी लेकिन दूसरों के बहकावे में ये बातें गलत कर रही है। विवाह नहीं कराया गया है जो फोटो दिखाई, ये साहब ये तो सब दमंग लोगों ने करवाया है। ये जो बीच के लोग हैं इन लोगों ने कहना बदनीति के हिसाब से कहा, इनमें छिनभिन कर दें, इनकी दिक्कत खुड़िए कर दें सर, लेकिन इसमें जो है ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत लोगों ने बेचकर विवाह कब कराया क्या कराया ये मुझे जानकारी नहीं आया। 6 वर्ष की थी, मुझे ले गए थे पालने के लिए, वहाँ पर मुझे पाला था। वहाँ 12 साल की सभी नियत मेरे ऊपर गंदी थी, तब मुझे नंगा कर करके वीडियो बनाते थे, वीडियो बना के व्हाट्सएप पे फेसबुक पे धमकी देते थे डालने की, रियल वीडियो बना के मुझे दिखाई थी। उसके अलावा मैंने डर के मारे किसी को बताया नहीं था, घर में किसी को भी माँ बाप को सबको पता था, वो मुझे जबरदस्ती कराते थे उनके साथ। कौन आपकी वीडियो बनाता था? राम बहादुर। कौन है ये तुम्हारे? सुधर। और पति कौन है तुम्हारे? नरेश। तो वो क्यों शादी से इनकार कर रहे हैं? दहेज के मामले में। क्या कहते हैं? दहेज ले के आओ। शादी हो गई आपकी? हाँ। कितने दिन हो गए? अभी 1 महीना हुआ है। क्या दहेज मुझे ससुराल से कम मिलने आएगा, दहेज ले के आओ। तुम्हारे कौन है ये रिश्ते में, कौन है तुम्हारे? मेरे कोई नहीं है, दूर का मामला है। तब आप कप्तान साहब आज मिलने आई थी? हाँ। शिकायत करी है अपने कप्तान साहब से, क्या बोले हैं? वो पुलिस थाने में बोला था। क्या बोले? थाने में मिलना, FIR दर्ज कराना।